ने वीडियो का थंबनेल देखा तो जान चुके हैं किस टॉपिक पे बात करने वाला। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं एमएक्स टकाटक पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जब भी आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप लोग कुछ सेटिंग्स को ऑन कर देते हो और प्रोफेशनल तरीके से आप अपने वीडियो को एमएक्स टकाटक पर अपलोड कर देते हो, तो आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट जो है आपके एमएक्स टकाटक वीडियो को अच्छे खासे बूस्ट देने की कोशिश करता है, आपके वीडियो को वायरल करने में कुछ मदद भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, जिससे आपका एमएक्स टकाटक वीडियो जो है वायरल हो सकता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी और नंदी से रिक्वेस्ट चाहता हूं, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट और फॉर्मेट वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। फ्रेंड्स आज के अपने मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो एमएक्स टकाटक वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर और साफ नहीं देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने प्लस का आइकन शो करेगा, तो सबसे पहले आप लोग इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो। जैसे कि आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो आपके सामने जो आपका यहाँ पे कैमरा खुल के आ जाता है, और सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि यहीं से आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो। और फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एमएक्स टकाटक जो है कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ही लो है, तो आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो को एडिटिंग करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को एल्बम का ऑप्शन शो करेगा, सबसे पहले आपको एल्बम पे क्लिक करना होगा। और एल्बम पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से सबसे पहले अपने वीडियो को सिलेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे थोड़ा देर जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगा, और प्रोसेसिंग चलने के बाद उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऊपर के साइड में आप लोगों को एक नेक्स्ट का आइकन बंद नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा देर जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए हम थोड़ा देर प्रोसेसिंग ले रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, तो चलिए उसके बाद में आगे का प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हमारा जो है दूसरा भी हम दूसरे पेज पर चले आए। अगर आप लोग यहाँ से चाहते हो अगर फिल्टर वगैरह करना तो आप लोग सिंपली यहाँ से फिल्टर वगैरह कर सकते हो, मुझे फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहीं पर जो है मेन प्रोसेसिंग करना है, जो भी आपको चीज़ करना है, जो भी आपको सेटिंग्स करना है, पूरा सेटिंग्स यहीं पे होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा भी स्किप मत करना। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा सेटिंग्स को ऑन रखना है और कौन कौन सेटिंग्स को ऑफ करना है, मैं आपको पूरी जानकारी इस आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सामने जो ऊपर की तरफ में आप लोगों को रिफ्लेक्शन एंड वगैरह यहाँ पे अपलोडिंग से रिलेटेड चीज आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ हैशटैग को लिखना है और कुछ यहाँ पे इसी को बोलता है कैप्शन एमएक्स टकाटक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कैप्शन लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे सैड कॉल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सैड कॉल वीडियो बना रहा हूँ, सैड कॉल, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल्स लिख दिया सैड कॉल्स। अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हैशटैग लगाना है किससे रिलेटेड, आपको कॉल से रिलेटेड, क्योंकि आपने कॉल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आपको कॉल से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे हैशटैग लगाना है। अगर आपने और भी कुछ से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि आप फनी वीडियो बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर फनी सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं कॉल से देख लेता हूँ कितनी हैशटैग है, तो हम यहाँ पे कॉल, तो सिंपली हम कॉल लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉल फॉर इंडिया आ रहा है, तो मैं कॉल फॉर इंडिया कर लेता हूँ। उसके बाद और देख लेता हूँ CALL, देखता हूँ कितना सारा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं इस यहाँ से जो सिंपली हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले। तो चलिए हम यहाँ से कॉल से और रिलेटेड हैशटैग लगा लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, दो से तीन कॉल से रिलेटेड आपको यहाँ पे हैशटैग को लगाना है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं और सारा कितना हैशटैग जो है मैं मिल रहा है, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको तीन चार हैशटैग जो है आप लोगों को यहाँ पे कॉल से रिलेटेड जो है लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग ये लगा लो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग फनी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको हैशटैग पे क्लिक करना है, और हैशटैग पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको फनी लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फनी लिख रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे फनी से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग जो है आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से दो तीन हैशटैग लगा लेना है। तो चलिए मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब आप लोग ये सेटअप अच्छे से कर लो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और बात आ जाती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट कवर। अब सिंपली आप लोग क्या करना है, अपने वीडियो का प्रोफेशनल जो है यहाँ पे बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कवर पे क्लिक करना होगा।
जैसे कि आप लोग सेलेक्ट कवर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कवर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक अच्छा सा कवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको एक अच्छा सा कवर सिलेक्ट करना है जिससे कोई भी वीडियो का जो है ऊपर से जो देखे तो उसको लगे कि यार यार वीडियो में कुछ जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर ले। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल कर लिया है कवर को। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा वीडियो का पोस्टर जो है तैयार हो चुका है। अब फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखते हो तो आप लोगों का एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आता है, वीडियो लैंग्वेज। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो का लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जैसे कि हिंदी सेलेक्ट किया, जैसे ही अपने एमएक्स टकाटक में लॉगिन किया हुआ तो वहाँ पे जो है आप लोगों को हिंदी सेलेक्ट किया होगा, या पंजाबी अगर सेलेक्ट किया होगा पंजाब से होंगे, तो अगर तेलुगु से होंगे तो तेलुगु सेलेक्ट किए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ इसको सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप जब भी आप लोग सेलेक्ट करोगे वीडियो का लैंग्वेज तो जितने लोग भी इंडिया से होंगे वो लैंग्वेज को सेलेक्ट हिंदी भाषा सुनते होंगे उनको हिंदी ही जाके वीडियो रिकमेंड करता है। तो ये आप लोगों का ध्यान में रखें, और यहाँ पर आप लोगों का जिस भी कंट्री से वहाँ का लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट कर लें। तो फिर सिंपली मैंने हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब एक बात का और आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन व्यू दिस वीडियो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सेटिंग्स को ऑन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेटिंग आपका ऑफ रहता है तो आपके वीडियो पर लाइक एंड व्यूज कुछ भी नहीं आने वाले, ठीक है, आपका वीडियो वायरल भी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है पब्लिश का, पब्लिक, और यहाँ पर देख सकते हो तो दूसरा आ जाता है फ्रेंड का, और यहाँ पे आपको आ जाता है प्राइवेट। अब सिंपली आप लोगों को कौन सा सेटिंग पे आपको इनेबल करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऊपर वाला है जो यहाँ पर देखिए पब्लिक का, तो आप लोगों को पब्लिक वाले ऑप्शन पे टिक करना है, ना कि आप लोगों को फ्रेंड्स वाले पे। अगर फ्रेंड्स पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं पब्लिक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है पब्लिक आ चुका है, ये आपका पब्लिक सेलेक्ट होना चाहिए। अब सिंपली आप लोग क्या करना है, नीचे की साइड में आप लोग और देख सकते हो एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट का। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस पोस्ट वाले आइकन पे एक बार आपको करना होगा क्लिक। तो चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, पोस्ट वाले आइकन पे एक बार कर देते हैं क्लिक। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग इस पोस्ट वाले आइकन पे क्लिक करोगे आपका वीडियो यहाँ से सिंपली पोस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं पोस्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो हमारा वीडियो जो यहाँ से पोस्ट हो चुका है। अगर हमारे वीडियो पे अच्छे तरीके से मैंने अगर इस पे एसईओ किया होगा, अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो मेरा वीडियो 100% वायरल हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे बताया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, वीडियो का कोई भी पार्ट क्लिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट और फोन वीडियो आपके चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। चले फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।